मुशी मुशी यहाँ का तक सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पूरा देख लेना। कैन कदास जैसा कि मेरे लुक्स आपको दिख रहा है, मैं कर रहा हूँ जिंदगी ना मिलेगी दोबारा का ऋतिक रोशन का लुक, जिसमें वो वीडियो कॉल करता है टाई पहन के कोट। मेरी लाइफ में भी ऐसे होता है, हमेशा मैं कपड़े रखता हूँ अपनी गाड़ी के अंदर, कभी भी ऑफिस जाना पड़ सकता है मेरे साथ भी कॉल होती है। जिन लोगों ने ये मूवी देखी थी कॉलेज के टाइम पे या फिर स्कूल के टाइम पे और अब वो जॉब करते हैं मेरी तरह, इस सीन को पूरा रिलेट कर सकते हैं। बहुत वीडियोज़ बनती है इंस्टाग्राम पे, तो हम ज़्यादा उधर नहीं जाते। अब जिंदगी ना मिलेगी दोबारा हमने इसलिए पिकअप किया है कि हमने 2001 का दिखाया, अब आपको दिखाएंगे 2011 के अंदर क्या डिफरेंट स्टाइलिंग थी। अच्छी बात यह है, ये भी सेम प्रोडक्शन की मूवी है, फरहान अख्तर की बहन जोया अख्तर ने बनाई है, और ये बहुत ही अच्छी मूवीज बनाते हैं, बहुत काम करते हैं कैरेक्टर पे, बहुत काम करते हैं क्लोदिंग पे, इसलिए मैंने लिया है क्योंकि उसमें बहुत चीज़ें हैं मुझे बताने के लिए। जब बात आती है स्टाइलिंग, क्लोदिंग, एसेसरीज, चश्मा, कैरेक्टर, एज, फलाना ढिमकाना और बहुत कुछ चीज़ें जैसा आप बताते हो, तो हम पहले तो मैं ये वीडियो कॉल वाला लुक हटा देता हूँ। वीडियो कॉल का लुक हटाने के बाद हम आ जाएंगे एक और लुक पे जो था सैफ अली खान हम ख़त्म कर चुके हैं। ऋतिक रोशन भैया जो है हमारे, वो स्टाइलिंग में ऑफकोर्स बिल्कुल अच्छे लगते हैं, लेकिन उनका सीन ये है स्टाइलिंग के लिए कि वो बहुत ही सुपर फिट हैं। अगर आप भी स्टाइलिंग में किसी भी कपड़े में अच्छा लगना चाहते हो, तो अगर आप फिट हो, सुपर फिट हो, तो कोई भी कपड़ा पहन लो, कपड़ा नहीं भी पहनोगे तो भी अच्छे लगोगे, तो इसलिए फिट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मेरा हल्का सा पेट निकल गया, थोड़ी कम कर रहा हूँ मैं, तो कोई भी कपड़ा पहनता हूँ तो अच्छा लगता हूँ, प्लस मेरे जितना स्मार्ट भी आपको होना ज़रूरी है। और ऐसे स्टाइल मारते हुए हमने फेंक दी यहाँ पर, पूरा सामान ख़राब कर चुके हैं हम। तो हम बात कर रहे हैं सैफ अली खान पर जा रहा हूँ, ऋतिक रोशन के बारे में। हालांकि ऋतिक रोशन एज अ हीरो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं उसको हेट करता हूँ। आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि अपन लाइक करते हैं शाहिद कपूर को। शाहिद कपूर एक अंडररेटेड एक्टर है, डांसर वो ऋतिक रोशन से ज़्यादा है, लेकिन ऋतिक रोशन के पास पैसा होने की वजह से वो बार बार से ऐसे स्टेप ले आता है और पब्लिक को बनाता है बेवकूफ़। लेकिन ठीक है, ऋतिक अपनी जगह पे ठीक है। मैं हेट इसलिए बोल रहा था कि आप थोड़ा कमेंट करो, और हेट वाले जितने भी हेटर्स हैं आ जाओ, कमेंट सेक्शन में लड़ाई करते हैं हम, फिर देखते हैं क्या है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आते हैं जिंदगी ना मिलेगी दोबारा के कपड़ों के बारे में बात करने के लिए। सबसे पहले आपने देखा होगा, अगर आपने मूवी देखी है, तो तीन कैरेक्टर हैं। सबसे पहले ऋतिक रोशन जी हैं, फिर एक कैरेक्टर हैं अभय देओल जो कि बहुत ही अमीर फैमिली से हैं, फिर एक कैरेक्टर है फरहान अख्तर जो कि मिडिल क्लास फैमिली से है, लेकिन उसको जो तरीका है वो बहुत ही चुलबुला आदमी है, वो बहुत ही लाइफ में जीता है, प्रेजेंट में जीता है, एंजॉय करता है, चाहे जेब में 5 रुपये भी ना हो फिर भी, लेकिन वो स्टाइलिंग में सबसे अच्छी स्टाइलिंग उसकी, चाहे वो गले में स्कार्फ हो, हैट्स हो, चश्मे हो, अलग अलग कपड़े पहने, कोई उसको फिक्स जोनर नहीं दिया है। वहीं पर ऋतिक रोशन को एक फिक्स जोनर है कि वो एक बंदा है जो कि ऑफिस में काम करता, तो उसने पहने हैं बहुत ही पेस्टल कलर्स की शर्ट्स, और जो बॉटम वेयर्स हैं वो अर्दी टोन्स में, तो कि बहुत ही सिंपल, मैच्योर्ड, क्लासी लगता है। जहाँ की अभय देओल है, देओल बहुत ही ज्यादा क्लासी कपड़े पहने हुए हैं, पोलो टी शर्ट्स, जस्ट लाइक वो पोलो स्पोर्ट जो खेलते हैं वैसे कपड़े पहनाए गए। पोलो स्पोर्ट्स ऐसे नहीं खेलते, वो तो घोड़े पे खेलते हैं, खैर गोल्फ जो खेलते हैं, बहुत ही अमीर फैमिली से दिखाया है, मर्सिडीज में ट्रैवल करता है, बिजनेस क्लास में ट्रैवल करता है। वहीं फरहान अख्तर का जो करेक्टर है वो अपना पासपोर्ट तक भी भूल जाता है, एयर होस्टेस में लड़की को पटाता है। अपना जो ऋतिक रोशन है वो हमेशा फ्यूचर के बारे में सोच रहा है, और इसी को इस मूवी में दिखाया कि फ्यूचर के बारे में ज़्यादा मत सोचो, प्रेजेंट में जियो। इसलिए जब स्कूबा डाइविंग का जो वो एक्सपीरियंस करता है तो उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब मैं थोड़ा सा ब्रेक लेता हूँ, एक ग्लास पानी पीता हूँ, फिर आपको दोबारा बताता हूँ। तो जैसे कि फरहान अख्तर मूवी में बकबक करता है, मैं बहुत ज़्यादा बकबक करता हूँ, स्ट्रेट पॉइंट पर आते हैं। ऋतिक रोशन की स्टाइलिंग को हम करते हैं डिफाइन। स्टार्टिंग जब वो करते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट बैंकर है, और लोगों का पैसा लगाता है और पैसा कमाता है कमीशन से, तो फॉर्मल दिखाया है। 3-पीस सूट का जो अंदर वाला कोट होता है या कोट होता है वो पहनते हुए दिखाया है। वो जब जितने भी आप वेरिएशन देखोगे, तो वो सुबह उठता है, भागता है, फिर काम करता है और फिर सो जाता है, ये उसकी लाइफ दिखाई है। बहुत ही फॉर्मल है, बहुत ही प्लान्ड है। तो जो प्लान्ड बंदे होते हैं ना, वो अपने कपड़े, आपने देखा होगा टाई वो संभाल के रख रहा है, कपड़े रख रहा है, हर चीज़ को सेट कर रहा है, वैसा उसको करेक्टर दिखाया है। लेकिन जैसे ही मूवी आगे बढ़ती है तो उसको रियलाइजेशन होती है कि लाइफ इज़ नॉट अबाउट वर्क, लाइफ इज अबाउट एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स लाइक स्कूबा डाइविंग, मीटिंग न्यू पीपल, यू नो, कुकिंग फूड इन समवेयर, ड्राइविंग इन अ ओपन कार। तो वैसे ही उसके कपड़े हैं, वो लाइट होते रहते हैं, टाइज, कोट, वेस्ट कोट निकलता जाता है, और बहुत ही पेस्टल, बहुत ही फ्रीडम वाले कपड़े पहनना वो स्टार्ट कर देता है, और आखिर में व्हाइट टी शर्ट, ब्लू जीन्स में आता है, वो भाग रहा है, बुल पीछे भाग रहे हैं, वो बहुत ही खुश है लाइफ में। ऐसे ही करेक्टर के हिसाब से, उसकी जर्नी के हिसाब से कपड़े डिफाइन होते हैं। कपड़े बहुत प्यारे पहने हैं, जैसे मैंने बताया शर्ट सारी पेस्टल कलर है, उसने वेफेयरर्स पहना है। अगर आप चश्मे के दीवाने हो तो एक वेफेयरर्स आपके पास होना चाहिए, जो कि मेरे पास भी
तो ये आ गया वेफेयरर्स 2011 में, अलग वेफेयरर्स थे, ये बहुत ही डिफरेंट वेफेयरर है। चश्मा एक होना बहुत ही अच्छा स्टाइल है आपका, अपग्रेड कर देता है। पूरी मूवी में ऋतिक रोशन में चश्मे पहने हुए हैं और ऋतिक रोशन के साथ में जो उनका लव इंटरेस्ट है वो दिखाया है कैटरीना कैफ को। एक पहले भी लव इंटरेस्ट दिखाया था जिसको वो काम की वजह से छोड़ना पड़ जाता है, वो बोलती मेरा बर्थडे अगले साल नहीं आएगा अर्जुन, हमें आज जाना चाहिए। अब जापान का सीईओ मुझसे मिलना चाहता है तो मैं क्या करूं, मुझे जाना पड़ेगा, ऐसे भी वो डायलॉग है। मुझे रिक्रिएट भी करना है लेकिन मैं कर नहीं पाता हूं। एक डायलॉग और है मूवी में जो बहुत ज्यादा हिट होता है, जब वो कहता है कि मेरा फोन बाहर फेंकना वॉज नॉट फनी, मेरी गर्लफ्रेंड के साथ इन्वॉल्व होना वॉज नॉट फनी। बहुत ही प्यारी मूवी है। अब हम दोबारा आते हैं स्टाइलिंग के ऊपर, तो वेफेयरर्स पहने हुए हैं, जो उनके शूज हैं बहुत ही डिफरेंट है। शूज आप सोच रहे होंगे स्नीकर पहने होंगे, बूट्स पहने होंगे, लेकिन उसने पहने हैं बहुत ही ओपन सैंडल्स, उसने पहने हैं लोफर्स, जो कि बहुत ही कूल और बहुत ही फॉर्मल लुक देता हुआ है। अब क्या आता है उसमें, लव जब लव इंटरेस्ट आता है तो कैटरीना कैफ के जो कपड़े आपने देखे होंगे, शी इज डन एब्सोल्युटली अमेजिंग जॉब। पहली एक दो मूवीज होंगी जो कैटरीना कैफ की मुझे पसंद है, इट्स वन ऑफ देम, एक नमस्ते लंदन है और ये वाली मूवी है। बहुत ही फ्रीडम दिखाया, कुछ भी कपड़े पहन रही हैं, वो एक स्कूबा डाइविंग इंस्ट्रक्टर हैं, किसी घर में रुक जाती हैं, तो वो भी इनका जो करैक्टर है वो बहुत ही अच्छा दिखाया गया। आप लड़की की स्टाइलिंग के लिए वीडियो देख रहे हो तो गो एंड चेक आउट द क्लोथ जो कैटरीना कैफ ने पहने हैं, चाहे वो ड्रेसेस हो, चाहे वो शॉर्ट्स हो, चाहे वो टी शर्ट्स हो, बहुत प्यारे लग रही है। वहीं कालकि कोचिन जो एक और करेक्टर है जो अभय देओल का लव इंटरेस्ट है, उसको बहुत ही अमीर फैमिली से दिखाया है। वो इतने लाखों का बैग लेती है, चश्मे पहनती है, फॉर्मल कपड़े पहनती है, सूट जैकेट्स गुची ब्राडा इन तरीकों के पहनते हैं, ओल्ड मनी एसेट्टी के कपड़े पहने हैं इसमें कालकि कोचिन के ने। लेकिन हम बात करें ऋतिक रोशन, तो अगेन ऋतिक रोशन पे आ जाते हैं। ऋतिक रोशन की स्टाइलिंग बहुत ही सिंपल है, अगर आप भी एक 30s के किड हैं और ऑफिस जाते हैं तो वो स्टाइलिंग आप कर सकते हैं। गो फॉर पेस्टल कलर्स, तो थोड़ा वाइब्रेंट भी होते हैं, ओल्ड मनी में नहीं आता, बूढ़े में लगोगे, एंड गो फॉर अर्दी टोन्स बॉटम, बहुत अच्छे हैं, चश्मा होना चाहिए। अब हम आ जाते हैं अगेन मेरा जो फेवरेट करेक्टर है, मैं चाहता तो था फरहान अख्तर बनना लेकिन ऋतिक रोशन बन गया। फेवरेट करेक्टर इस मूवी में है फरहान अख्तर। फरहान अख्तर की लाइफ की जो वैरायटी दिखाई है उसके अंदर, कि एक बंदा है जिसके पास ना पैसा है ना जॉब है फिर भी वो खुश है, लेकिन वो उसको जब पता लगता है उसके बाप कोई और है तो उसको बाप को ढूंढने के लिए स्पेन जाता है। बहुत ज़्यादा डेप्थ है उस करेक्टर के अंदर, पूरी मूवी में उस करेक्टर के बहुत ज़्यादा डेप्थ है, तो उनकी वेरिएशन भी बहुत अलग अलग दिखाई है। तो उनके जो कपड़े हैं स्टार्टिंग में बहुत ही सिंपल दिखाया है, कन्वर्स जूते पहने हैं, स्नीकर्स पहने हुए हैं, कोई अनपैकिंग नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, पोएट्री है, आज़ाद जीता है, कुर्ता भी पहना है, एक हैट भी पहने, चश्मे पहने हैं, मफलर भी पहना है, और बहुत ही प्यारी उसकी जो स्टाइलिंग है पूरी मूवी में बहुत अच्छी लगी है मुझे। अगर मुझे स्टाइलिंग कभी चूज करनी हो तो फरहान अख्तर का मैं चूज करूंगा, इन दोनों का चूज नहीं करूंगा। देन हम आते हैं अभय देओल पे, अगेन मैं बता चुका हूं ही इज नॉट वेयरिंग ओल्ड मनी एस्थेटिक, इज वेयरिंग ओल्ड क्लासिक चीज, जो गोल्फ वाले बंदे खेलते हैं, पोलो स्पोर्ट्स खेलते हैं, चीनोज उसने पहने हुए हैं, उसने पोलो स्पोर्ट्स की टी शर्ट पहनी हुई है, उसने शूज जो पहने हैं वो ऑक्सफोर्ड पहने हुए, जो बैग्स हैं वो लैपटॉप कैरी बैग है। पूरी मूवी में एक दो बंदों के पास अच्छे लैपटॉप दिखाए हैं जो कि अभय देओल के पास है। तो ये मेरा करेक्टराइजेशन था या मेरा जो व्यू है एक देखने का कपड़ों के बारे में वो दिखाया है। पूरी मूवी में जब कपड़े आप बनाते हो किसी मूवी में तो क्या तो उसकी लाइफ में कोई आर्क हो तो कपड़े चेंज होते हैं, अगर कपड़े चेंज नहीं हो रहे हैं तो कोई भी आर्क नहीं, उसकी लाइफ में सेम रहता है। लेकिन एक बार जो कपड़े डिसाइड हो गए उसी कपड़ों के अंदर पूरी मूवी को शूट करना पड़ता है, और उसका एक अगर फरहान अख्तर ने पूरी मूवी में क्या पहना है, कब क्या पहना है, कौन सा सीन है, तो उसके साथ एक असिस्टेंट डायरेक्टर होता है या फिर स्टाइलिस्ट होता है जो पूरी मूवी में इस चीज़ का ध्यान रखता है। ये हर करेक्टर के साथ होता है, स्पेशली मेन करेक्टर के साथ, छोटे करेक्टर के साथ भी होता है। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में और भी डिफरेंट डिफरेंट करेक्टर्स हैं, लेकिन इन पाँच करेक्टर्स के बारे में मैंने आपको बताने की कोशिश की है कैसे होता है क्यों नहीं होता है। अब थोड़ा सा और इस पर प्रकाश डालेंगी हमारी तरफ से राशि गोयल जी, कैमरामैन एमके के साथ, बाय बाय। सो अभी हम लोगों ने बात करी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा मूवी के मेल कैरेक्टर्स के बारे में। आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट बोथ द फीमेल प्रोटैगनिस्ट। तो इस मूवी में फर्स्ट कैरेक्टर इज आर कैटरीना कैफ, जिनके कैरेक्टर का नाम है लैला। वो लंदन से हैं, शी इज़ एन एंग्लो इंडियन वुमन, शी हैज़ वेरी केयरफ्री क्लोदिंग, काफ़ी बोहो टच भी है। इवन इन हर एंट्री सीन, जब वो बीच पे पहली बारी द बॉय स्पॉट हर, शी इज़ वेयरिंग अ वेरी फ्री फ्लोइंग फ्लावर प्रिंट वाली ड्रेस, ट्रैपी ड्रेस, एंड इट जस्ट एक्सप्रेसेस हर पर्सनैलिटी एंड कैरेक्टर रियली वेल। शी इज़ अ वेरी फ्री माइंडेड वुमन, वो अपनी लाइफ इन्जॉय करती है। शी सेज इन अ सीन ऑल्सो कि मैं बस ये चाहती हूँ कि लाइफ में अच्छे एक्सपीरियंसेस हो, नए लोग मिले, अच्छी मेमरीज बने।
सो शी इज़ अ वेरी फ्री माइंडेड वुमन एंड उनके क्लोथ्स में उनकी वो फ्री माइंडेडनेस, शी बींग फ्रॉम लंडन, शी बींग अ स्कूबा इंस्ट्रक्टर, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट होती हैं. तो शी वेयर्स अ लॉट ऑफ ड्रेसेस, अ लॉट ऑफ प्रिंट्स, समटाइम्स सॉलिड्स ऑल्सो, बट इट स्टिल रिफ्लेक्ट्स हर कैरेक्टर अ लॉट. तो वो काफ़ी सारी ड्रेसेस पहनती हैं, समटाइम्स शी इज़ वेयरिंग टी शर्ट्स एंड शॉर्ट्स ऑल्सो, एंड शी वेयर्स डिफरेंट काइंड ऑफ बेल्ट एंड शी ऑल्सो कैरीज अ लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैग्स. Even in her hairstyling, I don't think पूरी मूवी में बहुत ज़्यादा उनके हेयर पुल बैक थे, इट्स मोस्टली ओपन, वेरी फ्री फ्लोइंग, एंड द सन ग्लासेज दैट शी वेयर्स, ऑल द वेरी सिंपल रिंग्स एंड द एक्सेसरीज दैट शी इज़ वेयरिंग, ऑल ऑफ दैट मतलब हमें समझाता है कि उनका कैरेक्टर कैसा था. जब हम कैरेक्टर आर्क की बात करते हैं तो कैटरीना कैफ का कैरेक्टर की अपनी पर्सनल बहुत ज़्यादा आर्क नहीं था, बट उन्होंने हेल्प करी ऋतिक रोशन के कैरेक्टर को रियलाइज़ करने में कि वेयर हिज आर्क वॉज गोइंग. सो शी बिकेम अ कैटलिस्ट इन इज लाइफ जर्नी बेसिकली. उनकी वजह से ऋतिक रोशन को रियलाइज़ हुआ कि लाइफ में काम और पैसे के अलावा भी बहुत कुछ है, जो कि वो तब नहीं समझ पाए थे जब उनकी पहली गर्लफ्रेंड जो रोहिणी जो उनको छोड़ के चली गई थी, जब उसने समझाने की कोशिश करी वो नहीं समझे, बट वेन कैटरीना कैफ डिड इट सो शी बिकेम लाइक द वन पर्सन हु मेक्स हिम रियलाइज कि लाइफ में और चीज़ें भी इंपॉर्टेंट हैं. तो कैटरीना कैफ की स्टाइलिंग फेयरली सिमिलर ही थी एंड ऑफ द मूवी तक. वी सी हर इन अ डिफरेंट आउटफिट ड्यूरिंग द स्कूबा डाइविंग सीन, ड्यूरिंग द स्कूबा डाइविंग सीन ऑफकोर्स, क्योंकि दे हैव टू वेयर ऑल दैट गियर, ऑल द इक्विपमेंट विच इज़ नीडेड. देन मूवी के एंड तक आते आते अगेन शी इज़ वेरी फ्री फ्लोइंग, ओपन माइंडेड, शी इज़ ट्रैवलिंग विद द बॉयज, दे गो फॉर द टमाटेना फेस्टिवल विच वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग सीन. एंड देन मूवी के एंड में द लास्ट सीन इज दैट शी एंड ऋतिक रोशन एंड अप गेटिंग मैरिड. सो वी सी हर इन अ वेडिंग ड्रेस, अगेन सो सिंपल, शी वॉज नॉट रियली दैट डेक्ड अप एज अ ब्राइड. लाइक अपने वेडिंग डे पर भी शी हैड ओपन हेयर एंड शी वॉज वेरी फ्री फ्लोइंग इन अ कम्प्लीटली प्लेन वाइट ड्रेस, एंड इवन उनकी पर्सनैलिटी वॉज रिफ्लेक्टिंग इन द काइंड ऑफ वेडिंग डेकोर दे हैव शोन इन द फिल्म. बट वो थोड़ा डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा होता है. कमिंग बैक टू स्टाइलिंग, अब मैं बात करूँगी जो हमारी सेकेंड फीमेल लीड थी, हर नेम वॉज नताशा विच वॉज प्लेड बाय काल्की. आई जस्ट लव हर, शी इज़ एन अमेजिंग एक्ट्रेस. अब उनका कैरेक्टर हमें ये दिखाया गया है कि शी इज़ फ्रॉम अ वेरी रिच फैमिली. लाइक मूवी में बार बार ये चीज़ आगे आ रही है कि भाई वो बहुत ही अमीर फैमिली से है, जैसे कि अभय देओल का कैरेक्टर भी बहुत ही अमीर फैमिली से था. सो दैट्स हाउ दे मेड, दे आर इन अ फेयरली सिमिलर बैकग्राउंड. बट शी हैज़न्ट जॉइंड हर फैमिली बिजनेस एज सच, शी हैज़ बिकम एन इंटीरियर डिज़ाइनर. उनका फैमिली बिजनेस कुछ प्रॉपर्टी या रियलिटी रियल इस्टेट से रिलेटेड था, बट शी चोज टू बिकम अ डिज़ाइनर. सो शी हैज़ दैट आर्टिस्टिक इंस्टिंक्ट इन हर, बट एट द सेम टाइम शी इज़ ऑल्सो वेरी प्रॉपर एंड वेरी ऑर्गेनाइज एंड शी इज़ ऑल्सो अ लिटिल रिजिड इन हर थाट्स. अगर आप देखो ना, शी वॉज वेरी लाइक कि जो उनको अपने पर्सपेक्टिव से चीज़ें देखती थी, बहुत ज़्यादा वो ओपन नहीं थी, जिसकी वजह से अभय देओल को प्रॉब्लम भी होती थी कि एक बार उन्होंने कोई चीज़ अज्यूम कर लिया, समझ ली, तो वो मोस्टली वैसे ही फॉलो करती थी. तो उनकी अगर आप स्टाइलिंग को देखोगे, सो शी वेयर्स ड्रेसेस बट दे वी मोर टुवर्ड्स अ लिटिल बिट मोर ऑन द फॉर्मल साइड. उन्होंने इतना ज़्यादा कोई प्रिंट्स या पैटर्न्स नहीं पहना. शी वुड ऑलवेज बी वेरी प्रिम एंड प्रॉपर. लाइक अगर वो फ्लाइट भी लेकर आई तो भी यू विल सी कि हेयर इज कम्प्लीटली लाइक मेड अप. इट्स लाइक नॉट इवन अ हेयर स्ट्रैंड हेयर इन देयर. वो हर हमेशा बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज दिखती हैं. उनके कपड़े बहुत सिंपल हैं, वेरी क्लासी एंड रिच बट स्टिल वेरी सिंपल, नॉट लाउड, नॉट, शी डज नॉट वॉन्ट टू बी सीन एज समवन हु वॉन्ट्स अ लॉट ऑफ अटेंशन. सो हर कलर्स आर वेरी म्यूटेड बट शी हैज़ अ वेरी स्पेसिफिक पर्सनल स्टाइल थ्रू आउट द फिल्म. तो इवन वेन दे आर गोइंग आउट फॉर अ डिनर और फॉर अ पार्टी और समथिंग लाइक दैट, उनके कपड़े उतने ज़्यादा लाउड नहीं होते, इट्स स्टिल वेरी सिमिलर एंड सिंपल. शी मोस्टली वेयर्स शॉर्ट ड्रेसेस, वी सी हर इन अ फ्यू अदर टाइप ऑफ आउटफिट्स थ्रू आउट द फिल्म, एंड उनका भी कैरेक्टर आर्क उतना सिग्निफिकेंट नहीं था. शी वॉज अगेन अ कैटलिस्ट फॉर अभय देओल कि कैसे अभय देओल को धीरे धीरे करके रियलाइज़ होता है कि इवन दो शी इज़ अ रियली गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, एंड वो गलती से प्रपोजल हो जाता है मिसअंडरस्टैंडिंग में, बट ही अंडरस्टैंड्स कि वो एज अ लाइफ पार्टनर शायद उनके लिए सही नहीं है, बिकॉज ही लाइक्स हर बट ही मे बी ही डज नॉट लव हर दैट मच कि शी शुड बिकम हिज पार्टनर. तो उनकी काल्की की मेन कैरेक्टर आर्क, नताशा की मेन कैरेक्टर आर्क ये थी कि मूवी के एंड तक शी हैज़ ऑल्सो नाउ अंडरस्टूड एंड एक्सेप्टेड. जो सीन दिखाया नहीं गया बट वो उस बुल रेस सीन में अभय देओल बोलता है कि अगर मैं बच जाऊँगा तो मैं जाके उसको बोल दूँगा कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता. तो जब एंड में वेडिंग सीन होता है ऋतिक रोशन और कैटरीना कैफ का, वी सी कि काल्की इज शी नाउ नोज कि ही एंड दैट अभय देओल एंड काल्की आर नो लॉन्गर टुगेदर एंड दे आर बोथ गोइंग ऑन देयर ओन पाथ्स.
शी लुक्स हैप्पी, शी इज़ इन अ वेरी डिफरेंट ड्रेस इन दिस सीन. वो उसका फोटो हम लोग यहाँ डालेंगे, विच इज़ अ वेरी डिफरेंट ड्रेस फॉर हर एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द फिल्म. सो यहाँ पर हमें समझ में आता है कि शी इज़ एक्सेप्टेड, दिस इज़ द रियलिटी, ही इज़ गोना बी माई फ्रेंड, वी आर नॉट गेटिंग मैरिड. इन फैक्ट उनका अब एक नया पार्टनर होता है लाइफ में, वो उसको वेडिंग पर लेकर भी आती हैं और सब लोगों से इंट्रोड्यूस भी कराती हैं. सो दैट इज़ लाइक अ वेरी गुड मोमेंट. एंड मूवी के एंड में द लास्ट फ्रेम इज ऑल्सो वेर ऑल ऑफ देम आर क्लिकिंग अ पिक्चर टुगेदर. सो इट जस्ट शोज़ कि मूवी की स्टार्टिंग में कैसे वो लोग थे, उनकी लाइफ में क्या क्या डेवलपमेंट हुई और एंड में आते आते क्या फाइनल कंक्लूजन उन लोगों को अपनी लाइफ के लिए सही पाथ एक मिल गया सब लोगों को, एंड उसके बेसिस पर उनका फैशन सेंस कैसे चेंज होता है.